हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आर यूट्यूब चैनल द कैन इंडिया में। आज हम हरियाणा सीटी पर आई नई अपडेट पर बात करेंगे कि अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अब से सीटी में 4 गुना की बजाय 15 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। आज के न्यूज़पेपर में आई इस न्यूज में यह बताया गया है कि हर सीटी में खत्म होगा 4 गुना का फार्मूला, 15 गुना बुलाने की तैयारी। सीएम बोले, मौजूदा भर्ती पुराने पैटर्न पर ही, आगे के लिए करेंगे विचार। हरियाणा में सीटी परीक्षा के बाद 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के फार्मूले को हरियाणा सरकार खत्म करने जा रही है। मौजूदा भर्ती को छोड़कर आने वाले दिनों में हरियाणा 15 गुना उम्मीदवारों को बुलाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए हरियाणा सरकार सीटी नीति में संशोधन करने जा रही है। 4 गुना फार्मूले को लेकर प्रदेश के युवाओं में रोष है और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि हरियाणा के युवाओं सहित विपक्ष द्वारा सीटी के मुद्दे पर विरोध किया जा रहा है, कांग्रेस का कहना है कि यूपी, राजस्थान में 10-12 गुना तक उम्मीदवार बुलाए जा रहे हैं, तो हरियाणा में क्यों नहीं? इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सीटी के मामले में विज्ञापन के समय से ही 4 गुना बुलाए जाने का नियम था। आगे की भर्तियों में इस नियम में संशोधन पर विचार किया जा रहा है, इसकी समीक्षा कर फैसला लिया जाएगा। हरियाणा में भी 15 गुना तक उम्मीदवार बुलाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी का आयोजन किया जाता है। उम्मीदवार को यह अवसर दिया जाता है कि वह अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदों का विकल्प चुन सकता है। वकी ग्रुप सी के 32,000 पदों के लिए सीईटी पास 3,59,000 परीक्षार्थियों में से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। कर्मचारी चयन आयोग का कहना है कि पदों के 4 गुना उम्मीदवारों को ही स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिस कारण परीक्षा पास प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं में रोष है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित विपक्षी दल भी लगातार इस मामले में सरकार पर हमलावर हैं। मेरे अनुसार 2 साल से अधिक समय बीत जाने पर भी सरकार अपनी नाकामियों से बाज नहीं आ रही है। इस समय सरकार कर रही है कि अब जिन युवाओं को नौकरी की आवश्यकता है उन्हें कह रही है थोड़ा और इंतजार कर लिए, और कितना इंतजार करें, 2 साल से अधिक का तो समय युवाओं ने दे दिया। अब भी कह रहे हैं कि अगले सीटी में ही 15 गुना बुलाएंगे। 2.5-3 साल के बाद जो युवा ओवर एज हो जाएंगे उनका क्या होगा, जो आस कर रहे हैं कि हमें भी कभी ना कभी तो सरकारी नौकरी मिलेगी, उनके सपनों पर तो पानी फिर जाएगा। सरकार का यह फैसला गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा साइड वाली न्यूज यह है कि सिविल जजों की भर्ती पर फैसला नहीं, कैबिनेट की बैठक में सिविल जजों की भर्ती के मामले में फैसला नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस मामले में मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कैबिनेट की बैठक में भी यह मुद्दा आया, इस मामले में अभी निर्णय नहीं हो पाया। विदित रहे कि अभी तक हाई कोर्ट व राज्य सरकार की संयुक्त चयन समिति भर्ती का संचालन करती है। सरकार यह अधिकार हरियाणा लोक सेवा आयोग को देना चाहती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के 2009 में दिए निर्णय को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।